देश भर में लगातार कांग्रेस द्वारा हिंदू संगठनों एवं हिंदू आस्था का अपमान किया जा रहा है। विगत दिनों रतलाम शहर में कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया द्वारा भगवान के नाम पर अवैध रूप से पैसा कमाने का बयान दिया था और हिंदू संगठनों का सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया था। झाबुआ से कांग्रेस विधायक भूरिया का हिंदू जागरण मंच रतलाम एवं हिंदू समाज द्वारा पुरजोर विरोध करते हुए चौमुखी पुल पर नारेबाजी कर विरोध किया और कांतिलाल भूरिया का पुतला दहन किया। गौरतलब है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की बात कहने के बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस नेता व झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर बजरंग दल पर बैन की बात कही है। कोई भी संस्था है अपने साफ सुथरे दिमाग से काम करे तो ठीक है, पर ये बजरंग दली ये भगवान अपने हनुमान जी को बदनाम करते हैं, उनके नाम से संगठन बनाए फिर उसको राम नाम जपना परामाल अपना वो सब जेब भरने का काम करते हैं, वो है हनुमान जी के नाम से ना जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं वो बना गद्दारी है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे जो नकली है जो हनुमान जी के बना नाम लेके ना अपना पेट भरने का काम करे उनके कांतिलाल भूरिया का पुतला दहन किया गया है, जैसे कि एक छोटी समझी साजिश है। कर्नाटक में भी हिंदू संगठनों को बैन करने की बात कांग्रेस द्वारा कही जा रही है। कांतिलाल भूरिया जब रतलाम में आए थे उन्होंने हिंदू संगठनों के नाम पर अवैध रूप से पैसे कमाना ऐसा हिंदू संगठनों का आरोप लगाया है। कांग्रेस को खाली राजनीति करनी चाहिए। बार बार जब हिंदू समाज का कोई विषय होता है तो बार बार हिंदू समाज को आहत करना, हिंदू संगठनों को आहत करना, ये बार बार करते रहते हैं। तो कांग्रेस को राजनीति